इतना आने के बाद भी देख, मैं इतना आने के बाद भी लेट, आपकी हो गई मेरी आपके साथ भेंट। हमारे डॉक्टर आसमा जी ने लगाया है बहुत ही अच्छा सेट, डॉक्टर आसमा जी ने लगाया है बहुत ही अच्छा सेट, इसीलिए मैं आया हूँ लेट। तो सारंगपुर से मुझे आने के लिए 4.5 घंटे लग गए, मुझे बताया गया था कि 3 घंटे में सारंगपुर से दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन आने के लिए काफी देर हो गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बहुजन कल्याण यात्रा की शुरुआत आज आती है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाकर 18 दिसंबर को लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक बहुत बड़ी रैली रखी है। तो वहां मैं गया था, डॉक्टर आसमा जी हमारी मेघालय यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर है और आसाम की रहने वाली है, गुवाहाटी में रहती है, और उन्होंने मेरे पास आकर इच्छा व्यक्त की कि मुझे जिनको जापान में अवार्ड मिला है, ऐसे खिलाड़ियों को जो दिव्यांगजन खिलाड़ी है, जो अच्छे भी जो दिव्यांगजन नहीं है ऐसे भी खिलाड़ी है, ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान हमें करना है। तो आज महाराष्ट्र सदन में प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन महाराष्ट्र सदन ने बताया कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे तो हमको हॉल देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो डॉक्टर आसमा जी ने यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर जो ये इंटरनेशनल सेंटर है, जिनका इनॉग्रेशन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसी प्रोग्राम में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते में उपस्थित था। तो मतलब ये जनपद रोड पर एक बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर बहुत ही बढ़िया सेंटर बन गया है और आज जो यहाँ ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के ओर से खिलाड़ियों का सम्मान समारोह यहाँ डॉक्टर आसमा हुसैन इन्होंने रखा है और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में भी वो आरपीएच ज्वाइन की है और उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया के क्या अपना उपाध्यक्ष है ना, क्या राष्ट्रीय सचिव जो मेन कमेटी है, इस मेन कमेटी में राष्ट्रीय सचिव पद पर इनको अपॉइंट भी किया है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आसाम में रहने वाली आसमा जी, उन्होंने मेरे पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है उसमें आने का मन बनाया और इसीलिए मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि आसमा जैसी बहुत बड़ी एक्टिविस्ट आज हमारे पार्टी के बीच में है। आज यहाँ डॉक्टर उदित राज जी है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लोकसभा में मेंबर भी रहे हैं और अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट के माध्यम से उनका नाम पूरे देश भर में है, तो वो भी आज यहाँ मौजूद है। जयप्रकाश नोटियाल जी जिनका मेरे हाथों से सत्कार हुआ, तो मतलब जिन्होंने खेलों में फैलाया है बहुत ही बढ़िया जाल, जिन्होंने खेलों में फैलाया है बहुत बढ़िया जाल, उनका नाम है जयप्रकाश नौटियाल। हमको आसमा जी ने दे दी है सबको शाल, हम सभी को आसमा जी ने दे दिए है शाल, लेकिन हमको बिल्कुल नहीं मिला है माल। तो आपकी मतलब नोटियाल जी यहाँ मौजूद है, मारू का मारू राजा जी,
जो मतलब जिनका नाम लेते ही मुझे बहुत आती है मजा, जिनका नाम सुनने से मुझे बहुत ही आती है मजा, उनका नाम है मारू रजा। हमारी श्रीमती सीमा राज भी है, उदित राज की मिसेज है, इनकम टैक्स में बहुत बड़ी ऑफिसर है, कमिश्नर है, और वो भी आज यहाँ मौजूद है, हमें बहुत बड़ी खुशी है। यहाँ मोहिंदर पाल सिंह आनंद जी, जस्टिस आई एन कुद्दूसी जी, हाँ कुद्दूसी जी, डॉक्टर जगन्नाथ पटनायक जी जो वाइस चांसलर हैं, शैलेश तिवारी जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी, और आप भी मतलब यहाँ तशरीफ लाए हैं, बहुत बड़ी हमें खुशी है, आनंद है कि आप इस प्रोग्राम में, खिलाड़ियों के सम्मान के प्रोग्राम में आप आना हमारे लिए बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आप भी यहाँ तशरीफ लाए, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे आरपीआई के भी यहाँ मौजूद है, बहुत सारे खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही मदद की है, वो प्रमोद राजपाल भी हैं, दूसरे हमारे महेंद्र, मतलब महेंद्र जी भी है, और भी कई नाम है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इस प्रोग्राम के लिए दिया है। और आसमा जी बहुत बड़ी परेशान थी, मतलब आसमा जी इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही परेशान, और हर दम तक मेरा रहता था उनके तरफ ध्यान, मतलब ये प्रोग्राम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, अभी मुझे 10 बार फोन लगा रही थी, और मैं, हमने बोला था कि मैं 8:15 बजे तक मैं पहुंचूंगा, लेकिन और भी मुझे देर हो गई। उन्होंने अच्छा प्रोग्राम रखा है, बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग, बिल्डर है, फिल्म में काम करने वाले डायरेक्टर है, फिल्म बनाने वाले हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, पार्टी बनाने वाले हैं, और मतलब पार्टी बनाने वाले हैं, और यूनिवर्सिटी चलाने वाले हैं, और हमें, हम सबको मिलाने वाले भी लोग हैं। तो आसमा जी ने हमें सबको मिलाया है, आसमा जी ने आप सभी को मुझे मिलाया है, और इसीलिए मैंने बाबा साहब का कारो आगे चलाया है। तो ये आपने सबको मिलाया है, तो आज ज्यादा भाषण करने की आवश्यकता तो नहीं है। तो मेन प्रोग्राम है, जो खिलाड़ी अवार्ड लेकर आए हैं उनका सम्मान करने का प्रोग्राम इधर है, सभी खिलाड़ी नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो भी खिलाड़ी आए हैं उनके बारे में हमें बहुत बड़ा गर्व है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों को बहुत बड़ा प्रोत्साहित करने का काम किया था, और हमारे पहले इसमें जापान में 7 7 अवार्ड मिले थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे दिव्यांगजनों का जो खेल हुआ उसमें कम से कम 19 हमारे लोगों को अवार्ड में मिला था। तो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि दिव्यांगजनों को या उनको डिसेबल कहना ठीक नहीं है, मतलब ये हाथ से, पैर से, मुंह से, कान से, आँख से दिव्यांगजन हो सकते हैं, लेकिन मन से दिव्यांगजन नहीं है, और इसीलिए मतलब उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, 19 अवार्ड मतलब जापान में जीत कर मतलब हमारी टीम इधर आई है। तो ये सबका सम्मान आज यहाँ आसमा जी ने रखा है, तो मैं जिनको जिनको अभी जिनको जिनका तो सम्मान होने वाला है वो तो सबको मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं मतलब जिन्होंने हमारे दूसरे खिलाड़ियों को हराया है उनकी मैं करता हूँ खुदाई, जिन्होंने हमारे दूसरे खिलाड़ियों को जापान में हराया है उनकी मैं करता हूँ खुदाई, और जिनको अवार्ड मिला है उनको देता हूँ मैं हार्दिक बधाई। तो आप अवार्ड लेकर इधर आए हैं, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और अभी जिनको जिनको जिनका सम्मान करना है वो सम्मान के नाम आपके सामने पेश किए जाएंगे, आप ऊपर आइए, आपका सम्मान किया जाएगा। जय भीम, जय भारत, और जय खिलाड़ी।
थैंक यू।